जो रुके पहन के पैसे लाके देता क्या? अरे चिंदी चोर, चोरू के पैसे लाता हूँ, ससुर के पैसे लाता हूँ, मेरे बाप के पास से लाता हूँ, मेरे जाना तो बेचता हूँ, उधार लाता हूँ, मैं हिम्मत तो दिखाया ना दे दो बोलिए देखो आपके पास ही मिले। जब मैं आपके पास आया था तो कांग्रेस के 6 गारंटी और मेरे 6 गारंटी के बारे में बात कर रहा था और बताया था 2500 खवातीन को 500 रुपए में गैस, 200 यूनिट लाइट माफ, उसके अंदर 200 रुपए आपको बचते, खवातीन को फ्री ट्रांसपोर्ट और आपके बुजुर्ग माँ बाप है और आपके बुजुर्ग सास ससुर है तो 4000, तो हर महीना 14000 आपको बचते। बोलिए मैं बोला मेरे 6 स्कीमों के बारे में भी बोला। जब हम गरीब आवाम का फायदा करना चाहते तो आपका एमआईएम का जो कहते हैं जिसको मैं तोते का नाम दिया, तोता पलट के बोलता, ये 6 स्कीम कांग्रेस कहां से देती? दूसरे पर्सनल फिरोज खान के 6 स्कीम कहां से देते? चोरू के पहन के पैसे लाके देता क्या? अरे वो चिंदी चोर, चोरू के पैसे लाता हूँ, ससुर के पैसे लाता हूँ, मेरे बाप के पास से लाता हूँ, मेरे जाना तो बेचता हूँ, उधार लाता हूँ, मैं हिम्मत तो दिखाया ना दे दे दो बोलिए देखो आपके पास ही मिले। तेरे सदर से पूछ दारुसलाम 500 करोड़ के घर में रहता, तेरे पास तेरी हमारी पार्टी में जो 30 साल से 40 साल से तेरे सदरा काम कर रहे हैं कभी दारुसलाम से उनको पेंशन दिए रे? जब उनको पेंशन दे दिए, उनको घर दे दिए, उनके बच्चों को नौकरी दे दिए, टीचर नहीं बने, डॉक्टर नहीं बने, तुम्हारे से क्या तवक्को करते? जब कांग्रेस पार्टी और फिरोज खान देने आए तो बोलते कहाँ से देते? अरे भाई आजादी लाए तेलंगाना लाए बराम भरते थे तो मैं क्या करा? उसका जवाब देने को हमारे होने वाले मुख्यमंत्री को आपके बीच में ले गया। अजीम अजीम क्या है अजीम? चलो अब हमारे होने वाले मुख्यमंत्री आपको समझेंगे कांग्रेस पार्टी 6 गारंटी कैसा देने वाली है। मित्रों, मेरे भाइयों, आज इस जलसे में मैं हाजिर हूं इसीलिए श्रीमत सोनिया गांधी वो भी माइक दे दो। सोनिया गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी यहाँ नामपाली के असेंबली चुनाव में मेरा प्रिय मित्र फिरोज मुखान को उम्मीदवार बना के यहाँ से चुनाव लड़वा रहे।
उनके साथ देना अपनी जिम्मेदारी। मैं हमारे हिंदू मुसलमान भाइयों से एक ही गुजारिश है, अब हिंदुस्तान खतरा में है, मजहब के नाम पर, भाषा के नाम पर, नहीं तो नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया के नाम पर बीजेपी तोड़ना चाह रहे हैं। बीजेपी देश को तोड़कर मोदी जी सरकार तीसरी बार कुर्सी में बैठने के लिए कोशिश कर रहा है। इसीलिए हमारे नेता राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर 150 दिन 4000 किलोमीटर पैदल चलकर ये हिंदुस्तान को जोड़ने के लिए कोशिश किए, इसीलिए आप लोग कांग्रेस पार्टी को मदद देने का जरूरी है। और भाई इस देश को बचाने के लिए महात्मा गांधी जी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, श्री राजीव गांधी जी शहीद हुए। ऐसे बड़े बड़े नेता ये देश के लिए शहीद किए, उन्हीं का वारिस है राहुल गांधी। आज के तारीख में ये मत समझो असेंबली चुनाव से दिल्ली को क्या लेना देना है। आप लोगों को पता है 6 महीने पहले कर्नाटक में चुनाव हुआ था, वहीं पर भी कांग्रेस को हराने के लिए बीजेपी जेडीएस और उन लोगों को साथ दिए एमआईएम पार्टी। अपने ही वोटों के पूरा वोट काट कर बीजेपी को जिताने के लिए साजिश चल रही है इस देश में। वहां के लोग जान गए, वहां के लोग पहचान लिए, इसीलिए कर्नाटक में जेडीएस एमआईएम सबको हरा देके कांग्रेस पार्टी को एक मजबूत सरकार दी है कर्नाटक में। इसीलिए कर्नाटक के असेंबली का स्पीकर एक माइनॉरिटी भाई बना, कर्नाटक असेंबली का स्पीकर एक मुस्लिम माइनॉरिटी है। वैसा ही यहाँ पर हिंदू मुसलमानों को साथ लेकर चलाने के लिए दूसरी कदम कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में रखे। ये तेलंगाना में दूसरी कदम कामयाब हो गए तो यहाँ पर सरकार बनाए तो दिल्ली लाल किला पे तिरंगा झंडा लहराएंगे, मोदी को हटाएंगे। इसीलिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव, एक चुनाव वैसे वैसे नहीं है, एक चुनाव हमारा एमआईएम का मुकाबला नहीं है, ये चुनाव नरेंद्र मोदी कांग्रेस के बीच में चुनाव है। ये चुनाव हिंदुस्तान को तोड़ने वाले के बीच में, हिंदुस्तान को जोड़ने वाले के बीच में ये चुनाव हो रहे हैं। यहाँ पर एमआईएम और एक बार चिंते तो गरीब लोगों को कुछ मदद नहीं मिलने वाले। पिछले 5 चुनाव में यही नामपल्ली से एमआईएम को वोट दिए, म्युनिसिपल इलेक्शन आए एमआईएम को जिताए, एमएलए इलेक्शन आए एमआईएम को जिताए, एमपी इलेक्शन आए एमआईएम को जिताए। मगर यहाँ के बस्तियों में, यहाँ के गलियों में जो बेरोजगारी के बच्चे लोग हैं, किसी को नौकरी मिला नहीं तो हैदराबाद शहर में 1,00,000 डबल बेडरूम घर दिलाए के दिया बोल के केसीआर ने आज ऐलान किया। मैं असद साहब से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, 12% मुसलमान लोग हैं, 12,000 कर ये मुसलमान भाइयों को मिल रहा था, कितने मिले हिसाब बोलो, तब मुसलमान भाइयों का वोट मांगने के लिए आना। क्योंकि
हमारा हिस्सा हमारे भाइयों को मिलना, जब हमारे भाइयों का हिस्सा नहीं मिले तो हमारे भाइयों का वोट मांगने का हक आप नहीं है। इसीलिए मेरा गुजारिश है कांग्रेस पार्टी इन चुनाव में जीत कर इंद्रम्मा राज्यम बना के हर महिलाओं को हर महीने पहली तारीख 2500 रुपए उनके खाता में डालने वाले हैं, क्योंकि घर को चलाना है, बच्चों को पढ़ाना है तो घर के माँ के हाथ में पैसे रहना। और आज के तारीख में सिलेंडर कितना दाम बढ़ गया आप लोगों को मालूम है, जब कांग्रेस सत्ता में था 400 रुपए सिलेंडर, आज नरेंद्र मोदी केसीआर कुर्सी में बैठने के बाद 1200 रुपए सिलेंडर हो गए। इसीलिए आज कांग्रेस पार्टी हमारे माँ हमारे बहनों को मदद करने के लिए 500 रुपए में सिलेंडर देने के लिए हम वादा किए। और तीसरी वादा, गली गली में हैदराबाद शहर में करंट के चोरी हो रहे बोल के बार बार केसीआर कह रहे हैं, करंट के बिल नहीं भर रहे, नल के बिल नहीं भर रहे, होल सिटी में जहाँ पर हमारे मुसलमान भाइयों है करंट के बिना नहीं भर रहे, भाई कोई भी करंट वाले है तो मार पीट हो जा रहे। इसीलिए ये गरीब लोगों के बारे में सोचकर हर घर में हर परिवार को 200 यूनिट मुफ्त में देने के लिए कांग्रेस पार्टी वादा किए। आपके घरों में करंट बिल भरने का कोई जरूरी नहीं है, पांच हफ्ता कनेक्शन ले लो, मीटर लगा दो 200 यूनिट, आप टीवी लगाओ, फैन लगाओ, ट्यूबलाइट लगाओ, कुछ भी लगाओ, कोई आने वाले नहीं है, कोई पूछने वाले नहीं है, किसी को डरने का जरूरी नहीं है। इसीलिए 200 यूनिट हर परिवार को सरकारी पैसे पे कर फ्री करंट आपके घरों में देने के लिए कांग्रेस पार्टी वादा किए। और दूसरी चौथी बात, घर बोले तो एक जिंदगी में एक अपना सपना है, क्योंकि जिंदगी में हर आदमी शादी करना घर घर बसाना एक ही काम सोचते रहते। इसीलिए हर गरीब को इंदिरा घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए हर गरीब को देने के लिए आज के तारीख में कांग्रेस पार्टी वादा किए। और अपना 6 गारंटी आज के तारीख में मुसलमान जो बुजुर्ग लोगों को 2000 रुपए पेंशन मिल रहे, मगर इस बार ये महीने आपको कहा केसीआर को हरा दो, अगले महीने दिसंबर में 4000 रुपए आपको पेंशन मिलने वाले हैं। वैसे ही दवाखाने को गए तो वो बिल देके तो फिर किडनी बेच के बिल भरना पड़ रहा है आजकल गरीब लोगों को। अभी छोटे चीजों के लिए हॉस्पिटल में गए तो 2-4 लाख मांग रहे दवाखाने वाले। इसीलिए राजीव आरोग्य श्री में 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस बना के किसी को एक पैसे भरने का जरूरी नहीं है, वो कार्ड लेकर अपोलो में गए तो सीधा सीधा जो जुबली में बड़े बड़े सेठ लोग नवाब लोग असुद्दीन ओवैसी जैसे लोग दवाखाने को गए तो जो दवाखाने में ये डॉक्टर से ये ले लेते वही गरीब लोगों को भी ये 10 लाख रुपए का आरोग्य से गारंटी कार्ड हम दिए। इसके अलावा जितने भी हैदराबाद में आप लोगों को मालूम है ऑटो चलाने वाले ज्यादा लोग अपना भाई लोग है, ऑटो चलाने वाले स्विगी में काम करने वाले कैब चलाने वाले इन लोगों के बारे में कोई भी नहीं सोच रहे। हर ऑटो चलाने का भाई लोगों को हर साल 12000 रुपए उन लोगों के खाता में डालने के लिए आज के तारीख में कांग्रेस वादा कर रहे। फिर और बसों में हमारा औरत बच्चियों को हम विरोध बोल रहे याद दिला रहे, औरत बच्चियां दिसंबर महीना से टिकट लेने का जरूरी नहीं है, चाहे पर भी आरटीसी बस दिखे हाथ दिखाए तो बस रोकना, औरत बच्चों को गाड़ी चढ़ा लेना, एक पैसा भी टिकट लेने का जरूरी नहीं है, मुफ्त में आरटीसी बस में आप चल सकते हैं।
अच्छे काम में कांग्रेस करने के लिए आप लोग भी एक अच्छा काम करना है। कौन सी वाली है वो अच्छा काम? बोलो भाई, बोलो बोलो, आपके निशान हाथ उठाओ, जितने लोगों भाई लोगों को आते हैं हाथ उठाओ। जय कांग्रेस, जय जय कांग्रेस। मैं दो चार नारा लगा दो, आप लोगों का मदद मैं चाह रहा हूँ। और एक टक्का मैं बोले तो कांग्रेस पक्का आप लोग बोलना।